आप सभी को रेग गिटार लेसन के इस बिगिनर गिटार क्विक स्टार्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं। अपने गिटार को ट्यून करने का तरीका को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका गिटार आउट ऑफ ट्यून है तो ये बहुत ही खराब सुनेगा। इस लेसन के अंत तक आपको वो सारे चीजें पता चल जाएंगी जो आपके गिटार ट्यूनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेसन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है ट्यूनिंग थियरी और टिप्स, दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर के साथ अपने गिटार को ट्यून करें, और तीसरा अपने गिटार को कानों से सुनकर ट्यून करें। तो सबसे पहले देखेंगे ट्यूनिंग थियरी और टिप्स। पिछले लेसन में आपने गिटार में सारे ओपन स्ट्रिंग्स के नामों को जाना, और आपने जाना कि हर एक नेचुरल नोट के साथ शार्प या फ्लैट लगता है। इस प्रकार से हमारे पास 12 नोट्स बनते हैं। ट्यूनिंग थियरी एंड टिप्स। आप पहले से ही गिटार पर ओपन स्ट्रिंग के नाम को सीख चुके हैं, जो है ई, ए, डी, जी, बी और ई। अगली चीज जो आपको सीखने की जरूरत है, जो है नेचुरल म्यूजिकल अल्फाबेट, जो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से आपने पिछले लेसन में सीखा था। फ्लैट, फ्लैट जो लोअर केस बी जैसा दिखता है, वो लो साउंड का प्रतीक है, और जब ये नेचुरल नोट के साइड में होता है तो इसका मतलब है कि नोट लो है। जब हम गिटार को ट्यून करते समय फ्लैट होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि नोट को थोड़ा ऊपर आने की जरूरत है। शार्प, टिक टैक टो ग्रिड जैसा दिखने वाला ये चिन्ह शार्प साउंड का प्रतीक है। जब हम ट्यूनिंग करते समय शार्प होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि नोट थोड़ा ऊंचा है और इसे नीचे आने की जरूरत है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर का उपयोग करते हैं तो कुछ तरीके हैं जो आपको बताएंगे कि कोई नोट शार्प है या फ्लैट है। एक तरीका लाइट का उपयोग करना है, जो लेफ्ट की ओर बंद हो जाएगा यदि आपका नोट फ्लैट है और थोड़ा ऊपर आने की आवश्यकता है। यदि लाइट राइट की ओर बंद है तो आपका नोट शार्प है और उसे नीचे आने की जरूरत है। लाइट के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सुई का उपयोग कर सकता है, जो उसी तरह काम करता है जैसे लाइट करती है। ट्यूनिंग टिप 1, कंफर्म करें कि आप सही ट्यूनिंग कीज बदल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपनी डी स्ट्रिंग को ट्यून करना चाहते हैं तो फ्रेटबोर्ड के साथ हेडस्टॉक तक डी स्ट्रिंग के की को घुमाएं। उपयोग करने के लिए सही ट्यूनिंग की को ध्यान से देखें, अन्यथा आप गलती से ए स्ट्रिंग ट्यूनिंग की को घुमा सकते हैं और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि डी स्ट्रिंग क्यों नहीं बदल रही। हमेशा दोबारा जांचें कि आप जिस स्ट्रिंग को ट्यून कर रहे हैं उसके लिए आप सही ट्यूनिंग कुंजी को घुमा रहे हैं। ट्यूनिंग टिप 2, यदि आपको लगता है कि आप स्ट्रिंग को बहुत शार्प या फ्लैट ट्यून कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप रुके, स्ट्रिंग को वापस लो ट्यून करें और फिर से शुरू करें। शुरू करने से पहले अभ्यास करने वाली एक बात यह है कि किसी भी स्ट्रिंग पर जाए और ट्यूनिंग कीज के साथ खेले, पता लगाए कि नोट कितना ऊपर या नीचे जाता है और स्ट्रिंग से परिचित हो जाए। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर के साथ अपने गिटार को ट्यून करना। आज बहुत सारे ट्यूनर हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं, ट्यूनर, पैडल ट्यूनर, हैंडल हेड ट्यूनर और स्मार्टफोन टैबलेट ट्यूनर एप्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार का उपयोग करते हैं। अपने ट्यूनर को कैलिब्रेट करना, तो कंफर्म करें कि ये A440 हर्ज पर सेट है। ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है और यदि आप इसके लिए ट्यून नहीं है तो आप बाकी सभी से थोड़ा हटकर साउंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, प्रत्येक स्ट्रिंग को सही नोट के नाम पर याद करें। इसलिए यदि आप अपनी ई स्ट्रिंग को ट्यून कर रहे हैं तो पहले ई नोट को याद करें, उसके बाद आप ई नोट को फाइन ट्यून करेंगे ताकि वो स्पॉट पर रहे।
स्टेप टू। एक बार जब ट्यूनर आपके द्वारा करेंट स्ट्रिंग के लिए सही नोट को शो करे तो आप ट्यूनिंग कीज को धीरे धीरे तब तक घुमाकर नोट को ठीक कर सकते हैं जब तक कि ट्यूनिंग सुई बीच में ना हो। मेरे पास आपके लिए एक टिप है कि नोट को नीचे करने के बजाय उसे ट्यून करें। यदि आपका नोट शार्प है तो वापस नीचे आए और इसे ट्यून करें, जो आपको स्ट्रिंग्स को लंबे समय तक ट्यून में रहने में मदद करता है। स्टेप थ्री। एक बार जब आप स्ट्रिंग्स को ट्यून करना समाप्त कर ले तो उन्हें फिर से देखें, क्योंकि एकॉस्टिक गिटार लकड़ी से बना होता है, इसलिए स्ट्रिंग पर तनाव बदलने से गिटार का ट्यून भी बदल सकता है। अपने गिटार को मैनुअली ट्यून करें। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा जो आपके गिटार को ट्यून करने में मदद करेंगे, भले ही आपके पास ट्यूनर न हो। जब तक आपका एक स्ट्रिंग ट्यून में है, तब तक आप फिफ्थ फ्रेट ट्यूनिंग मेथड को यूज करके गिटार को अपने आप में ट्यून कर सकते हैं। फिफ्थ फ्रेट ट्यूनिंग मेथड, लो ई स्ट्रिंग। इस ट्यूनिंग मेथड के लिए ई स्ट्रिंग पहले से ही ट्यून में होनी चाहिए। पहला ई स्ट्रिंग ट्यून करने के लिए आप किसी भी पियानो या गिटार का उपयोग कर सकते हैं। लो ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर जाकर शुरू करें, जो कि ए नोट है। क्योंकि आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग एक खुली ए स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल ई स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पर नोट की तरह लगना चाहिए। डी स्ट्रिंग। इसके बाद हमें डी स्ट्रिंग को ट्यून करने की आवश्यकता है, इसलिए हम ए स्ट्रिंग के पांचवें फ्रेट पर जाएंगे, जो कि डी नोट है। एक बार फिर खुली डी स्ट्रिंग को ए स्ट्रिंग पर डी नोट की तरह ही साउंड करनी चाहिए। जी स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए मैं डी स्ट्रिंग के पांचवें फ्रेट का उपयोग करके उसी विधि का पालन करता हूँ। बी स्ट्रिंग। बी स्ट्रिंग को ट्यून करना थोड़ा अलग है, हमें फिफ्थ फ्रेट के बजाय फोर्थ फ्रेट का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जगह है जहाँ बी नोट है, इसलिए खुले बी स्ट्रिंग को जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट से मिलाए। हाई। हाई ई स्ट्रिंग। हाई ई स्ट्रिंग को ट्यून करना हालांकि ट्रैक पर वापस आ जाता है, इसलिए आप इस अंतिम स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए बी स्ट्रिंग के पांचवें फ्रेट का उपयोग करते हैं। अपनी ट्यूनिंग को दोबारा जांचें। एक बार जब आप गिटार को कान से ट्यून कर लेते हैं तो स्ट्रिंग्स को फिर से ट्यून करने के लिए उसी तरह से गुजरे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर का उपयोग कर रहे थे। ये आपको फाइन ट्यून और डबल चेक करने की अनुमति देता है कि स्ट्रिंग्स वही है जहां उन्हें होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस लेसन से जरूर सीख पाए कि किस प्रकार से अपने गिटार को ट्यून करें। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।